अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गईं। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत ट्रांसपेरेंट टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक दो भागों में बन चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। पार्टीशन पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के पार्टीशन के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हार कर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का पार्टीशन हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया, क्योंकि एक काल्पनिक पार्टीशन उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। दोस्तों, जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है, और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आपको ये शार्क और चारा मछली की कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और मॉरल स्टोरीज, मोटिवेशनल स्टोरीज और किड स्टोरीज इन हिंदी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।